हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में मसाला मैजिक में। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है शाही पनीर। आज कुछ ऐसा हुआ, हमारा बाहर जाने का मन था खाना खाने के लिए, पर बारिश की वजह से सारा मूड स्पॉइल हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना होटल वाली सब्ज़ी को आज मैं घर पे बनाऊं। तो आज मैंने बनाई है शाही पनीर, जो सच में खाने में इतनी टेस्टी थी कि होटल की सब्ज़ी भी फेल लगती उसके सामने। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, आप चाहें तो बटर भी इसमें ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मेरे सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अदरक लिया है मैंने, लहसुन लिया है, प्याज है, हरी मिर्च है, इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉटे करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू। इससे क्या होता है, जो हमारी ग्रेवी होती है वो बहुत ही थिक बनती है और खाने में भी एकदम शाही टेस्ट हमें देती है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, इनको अच्छे से मैं पकने के लिए रखूँगी। उसके बाद मैंने थोड़े से खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा लौंग, जायफल और इलायची। इससे भी जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं और चाहें बाद में भी, क्योंकि हमें इसका ऑल ओवर पेस्ट ही रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया पनीर, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं पनीर को थोड़े मसालों के साथ मैरिनेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चिल्ली पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने पनीर का जो मैं मसाला है इसमें ऐड करूँगी वो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऐड करा है। और इन सभी को अच्छे से मिलाकर मैं पनीर को कम तेल में फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से क्या होगा, सभी पनीर के क्यूब से मसाला प्रॉपरली लग जाएगा। और ये देखिए मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम चलते हैं पनीर फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एकदम लेस ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है नॉन स्टिक पैन के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, आपके पनीर क्यूब्स को एक एक कर कर इसके ऊपर रख देंगे। इस तवे पर, नॉन स्टिक तवे पर जब भी आप पनीर फ्राई करते हो तो बहुत क्रिस्पी पनीर फ्राई होता है और एक्सेस ऑफ ऑयल आपके पनीर के अंदर नहीं जाता है। कोई भी सब्ज़ी बनानी हो पनीर की, या अगर आपको खाली भी पनीर खाना हो तो इसी तरीके से फ्राई करें लेस ऑयल के साथ, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी पनीर। ध्यान रखना है एक एक साइड से पनीर को हमें चेंज करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से सब जगह से अच्छे से पक जाए, अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ये देखिए हमारी पनीर एकदम रेडी हो चुकी है। ऐसी पनीर अगर हम सब्ज़ी में ऐड करते हैं तो हमारी सब्ज़ी में जो पनीर है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है और एकदम टेस्टी लुक देता है। ये देखिए मैंने इन सभी को ग्राइंड कर लिया है, ऐसा स्मूथ सा पेस्ट हम बना लेंगे। उसके बाद मैंने फिर से इसमें घी लिया है, मैं यहाँ पे कोई भी ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। आप बटर लें तो बटर ले सकते हैं, नहीं तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो भी खड़े मसाले मैंने इसमें लिए हैं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग पाउडर, उसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें सूखी लाल मिर्च और बे लीव्स। इससे इसका हम जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा। और बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने प्यूरी बनाई थी। इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो भी प्यूरी बनाई है वो ऑलरेडी पकी पकाई है। अब हम खाली बस जब तक ये अपना घी जो इसमें ऐड किया सब्ज़ी में ये ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसको पकाना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास मार्केट वाली क्रीम अवेलेबल नहीं हो तो जो घर पे आपके पास मलाई होती है उसको अच्छे से फेंट कर आप उस क्रीम को इसमें यूज़ ले सकते हैं। इससे भी जो फ्लेवर है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही शाही आता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड करा है, मिर्ची पाउडर ऐड करा है और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया मसाला। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हमारा स्पेशल पनीर का मसाला। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है और अब हम इसको ढककर रोज छोड़ देंगे। ये देखिए इसने जो है, ये देखिए हमारी सब्ज़ी ने जो घी है उसको छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार है। अब हम चलते हैं इसमें एक चीज़ और डालने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर के 2 स्पून डाले हैं और गरम मसाला डाला है।
मैंने वीडियो शूट नहीं करा था तो आपको सिर्फ बताया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारी पनीर। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी थिक लगती है तो आप कुछ थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो। पूरा पकने के बाद आप पनीर क्यूब इसमें ऐड करें। ऐसे पनीर क्यूब फ्राई करके जब हम ऐड करते हैं तो हम सब्ज़ी को कितनी बार भी गर्म करें हमारे जो पनीर है वो अंदर तक सॉफ्ट नहीं होते हैं, ऐसा ही लुक देंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार है। सच में दोस्तों होटल से भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। आप भी सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। उसके बाद फिर से मैं इसको गार्निश कर दूँगी थोड़ी सी क्रीम के साथ, धनिया पत्तों के साथ, और इसको गर्मा गर्म सर्व करें आपकी फेवरेट रोटी के साथ या तंदूर के साथ। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको होटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई एम श्योर आपको रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और खाओ पियो मज़े करो। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन प्लीज़ मुझे कमेंट करें नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके लिए कौन सी लेके आऊँ। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी मसाला मैजिक से भरी हुई अलग अलग रेसिपीज़। तो दोस्तों खाओ पियो और मज़े करो। बाय बाय।